की तो मेरे होते हो हुण साडा इह फैसला होया कि दो दिन के अंदर अंदर सेठी ढाबे वाले नूं असीं पुलिस प्रशासन नूं अल्टीमेटम देना चाहते हाँ कि साडा सेठी ढाबे वाले दो दिन के अंदर अरैसट किया जाए। जे दो दिन के अंदर सेठी ढाबे वाले जिहड़ा मुलजम हैगा मुख उहनूं नहीं अरैसट किया जाता तो असीं अगली कार्रवाई उलीकांगे। बीती रात जीरकपुर च एक मामला वापरिया जिथे चढ़दी कला ग्रुप के सीनियर पत्रकार सुखविंदर सैनी की पग की बेअदबी करन दा मामला सामने आया सी। दरअसल सुखविंदर सैनी जदों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर परत रहे संतां रस्ते विच सेठी ढाबे के मालक सोनू सेठी ने सुखविंदर सैनी नूं रस्ते विच ही रोक लिया ते उन्हां नाल गाली गलोच करन लगे। अपने कुछ साथियों नाल मिल के उन्होंने सुखविंदर सैनी ते हमला कर दिता जिस दौरान सोनू सेठी ने उन्हां दी पग उतार दिती ते उसनूं अपने पैरां विच रोलिया। जिक्र योग है कि करीब दो महीने पहला भी गुरबाणी के शब्दों से औरतों को नचा के गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी के मामले में सोनू सेठी के उत्ते मुकदमा दर्ज है। चढ़दी कला ग्रुप के सीनियर पत्रकार सुखविंदर सैनी की पग की बेअदबी मामले में हुण प्रेस क्लब ने एक जुटता दिखाई है जिस दे विच उन्होंने एक मीटिंग करते हुए कुछ फैसले लिते हैं अते की हन ओ फैसले आओ सुनदे हां उन्हां दी जुबानी। मैं धन्नवादी अपने सारे साथियों का जिन्होंने मेरे अज बिना सद्दा दिते मेरे को इतने पहुंचे मेरे जिहड़ा मेरा धक्का होया मेरी सपोर्ट से खड़े मेरी पिछ जाके खड़े आ मैं तय दिलों धन्नवादी हाँ। इन्हां दे नाल नाल जिहड़े राजनीतिक लोग आ जां समाज सेवी आ जिहड़े सवेर दी मेरे हर पल पल दे मेरे नाल जिहड़े खड़े होण दा जिहड़ा दावा कर रहे आ और मैनूं हौसला अफजाई कर रहे आ। मैं तुहानूं दस्सणा चाहुंदा छोटी जी कि मेरी कोई उहदे नाल जाति दुश्मनी नहीं हैगी। मैं सिर्फ एक खबर लगाई सी उहदी जो इन्हें बेअदबी की सी हमकर साजना इहदे तुक दी जो बेअदबी की सी वो खबर लगाई सी उस दिन तो जिस दिन का जमानत आया उस दिन का ही मेरे नाल कितें ना कितें ये टसणबाजी रखता सी और मेरे नाल जिहड़ी लड़ाई करन दा जिहड़ा मौका भाड़दा पिया सीगा। राती मैं दसना चाहुंदा कि मैं जिदा मेरे नाल एक कपिल नागपाल हैगा मुंडा प्रेस रिपोर्टर वो सीगा नाल उहनूं छड्डण वास्ते आपां प्रेस कॉन्फ्रेंस छड्डण वास्ते मैं कोहिनूर ढाबे आया यू टर्न लैके ज्यों ही मुड़िया नूं यू कोहिनूर ढाबे तार के ज्यों चलण लगा इन्हें अगे लिया के अपनी फॉर्चूनर कार लिया के मैनूं घेरिया। घेरन तों बाद इन्हां ने मेरे उत्ते हमला किया और मेरी पग तारी पिछों देखे होना तुसीं वीडियो दे विच और मेरा मोबाइल कैमरा खो के भज गया जिहदे विच इहदा काफ़ी कुछ इहदियां जिहड़ियां हरकतां जिहड़ियां रिकॉर्ड होईआं सीगीआं। फिर मैं दूजे अपने मोबाइल नाल रिकॉर्डिंग की वो कैमरा भी इहने जाण लग्गिआ तोड़िआ पैर मार के तोड़िआ इहने और इस संबंधी मैं जिहड़ा पुलिस नूं सूचित किया पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की मौके पर पुलिस प्रशासन वालों काफ़ी हैल्प की गई साड़ी मेरे पत्रकार साथी भी रात थाने आ गए थे सारे पहुँचे। मैं सारे का तह दिलों धन्नवादी हाँ। बाकी जिदा साडे प्रधान जी या साडे साथी जो कहणगे मैं उन्हां नाल एग्री है। जिहड़े छोटे जे सद्दे दे सुखविंदर सैनी जी नाल जो घटना हुई रात घटना बारे जानकारी इन्हां नूं दित्ती। जिहड़ा सेठी ढाबे वाला हैगा सोनू सेठी इहदा एक पहला भी रिकॉर्ड हैगा वे इन्हें पहला भी बेअदबी की तो उस मामले से सुखविंदर सैनी साडे एक साथी जग्गी क्लियर है तो असीं सारे साथियों ने बहुत खबरां लाइयां इन्होंने थोड़ा अगे होकर खबरां लाइया ताकि इमोशनली भी कनैक्ट सी सिखी भाईचारे नाल तो मैं लगता होना भी चाहिए। उस घटना लैके सेठी ढाबे वाला इन्हों का लंचस रखता सी ते जदों दा बाहर आया जेल तो जो सानू सुनन च आया वो हमेशा यह गल कहता कि मेरा इन्होंने नुकसान किया मेरे पर कार्रवाई कराई है जिहड़ी गल उन्हें कईयों नूं कही है पर उहदा इन्हों का मोटिव इन्ना ही सी कि जो उन्हें नजायज़ किया उहदी कार्रवाई होनी चाहिए है तो इन्होंने अपनी पत्रकारी का हल ज़्यादा किया। तो लंघी रात सुखविंदर सैनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वापस आ रहा तो इन्हें यू टर्न लिया तो उत्थे सेठी ढाबे की सलाह यह सी कि मैं अपने चार पांच साथियों नाल सुखविंदर सैनी नूं चक के अपने ढाबे के अंदर लिजा के गलत इंटेंशन इस पर उल्टा कार्रवाई करवा या मीडिया से उहदा शौक है सैनी साहब बारे गलत बोलना सी पर उस केस उहने जो घटना की रात उहदे कुछ साथियों ने उन्होंने मिल के जो सिख पत्रकार की पग तारी इस मामले लैके सारा प्रेस क्लब सारे पत्रकार डेरा बसी जीरकपुर लालड़ू सब डिवीजन के कट्ठे हैगे हैं तो असी हमने हंगामी मीटिंग की है जिदे असी इस घटना की सख्त शब्दों से निखेधी करते हैं तो एकजुटका का प्रतावा किया कि असी सारे कट्ठे हैगे हैं अपनी भाईचारक सांझ असी कभी खराब नहीं करांगे तो जे कोई इदा का आंसर कार्रवाई करेगा तो उहदे खिलाफ असी डट के आवाज़ चुकांगे। तो हुण रात की कार्रवाई तो साडी प्रेस क्लब की जो हुण मीटिंग हुई उस फैसला होया पुलिस थाना मुखी का असी धन्यवाद किया जिन्होंने पूरी रात दो मिनची पुलिस भेजी तो जो धारावान के तहत उन्हें बेअदबी की प्लस इन्हों का मोबाइल तोड़िया हर खोया उस तहत उन्होंने पूरी FIR दर्ज की धारावान के तहत
हुण साडा इह फैसला होया कि दो दिन दे अंदर अंदर सेठी ढाबे वाले नूं असीं पुलिस प्रशासन नूं अल्टीमेटम देना चाहते हाँ कि साडा सेठी ढाबे वाले नूं दो दिन दे अंदर अरैसट किया जाए तो यह जी घटनावां नूं रोकण वास्ते जिहड़े फील्ड 'च काम करते हैं साडी सुरक्षा किन्नी मनाई जाए। जे दो दिन के अंदर सेठी ढाबे वाले जिहड़ा मुलजम हैगा उहनूं नहीं अरैसट किया जाता तो असीं अगली कार्रवाई उलीकांगे जिहदे 'च असीं SSP साहब नूं मिलना DSP हरजिंदर सिंह जी नूं मिलना जिहड़े भी साडे कोलों बंदा सारे साथियों सलाह होएगी उस हिसाब नाल कार्रवाई करांगे। पर असीं इह सारे समाज नूं सारे शहर वासियों नूं सारयां नूं दसना चाहते हैं कि जीरकपुर डेरा बसी लालड़ू की प्रैस इकट्ठी हैगी है असीं किसी नाल भी कोई मंदभागी घटना की पिछे नहीं हटांगे डट के नाल खड़ांगे। तो साडी सारे साथियों नूं बेनती है जिहड़े समाजिक धार्मिक ते होर समाज सेवी संस्थावां साडे नाल खड़ी हैं एकजुटता का परतावा कर रही हैं असीं उन्हां दा धन्नवाद करते हैं तहे दिल धन्नवाद करते हैं कि जिहड़े सच नाल खड़े हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन नूं SSP साहब नूं बेनती करदा कि जिहड़े अजे क्रिमिनल लोग हैगे हैं तुसीं उन्हां दी पूरा रिकॉर्ड कढ़ाओ जिन्हां ने पहलां ही बेअदबी की हाले तक जमानत ते बाहर है तो आ के उह जी कार्रवाई करदा है।